हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी डिज़ायर टूर का। तो डिज़ायर टूर गाड़ी है ये। इसके फीचर्स जो इसमें फेसलिफ्ट किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे, क्या क्या फ़ीचर्स इसमें फेसलिफ्ट कर दिए गए हैं सेफ्टी फ़ीचर्स के बारे में। तो पहले से भी बेहतर हो गई है ये गाड़ी, और ये टैक्सी में ही अवेलेबल है आपको अगर आप लेना चाहते हैं तो। और जानेंगे इसके फ़ीचर्स और प्राइस के बारे में, क्या क्या फ़ीचर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प दिए गए हैं, साथ में इंडिकेटर फॉग लैंप आपको इसमें नहीं मिलते, एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसमें। और इसमें आपको पहले भी फॉग लैंप नहीं मिलते थे, अब भी नहीं मिलेंगे आपको। CNG गाड़ी है तो उसका स्टिकर दिया गया है, विंडशील्ड पर ही देखने को मिलेगा आपको। और ये साइड प्रोफाइल है गाड़ी की, साइड प्रोफाइल से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। बात कर लेते हैं व्हीलों की, तो इसमें आपको स्टील व्हील दिए गए हैं जिनका साइज़ है 165/80R, 14 इंचेस के आपको स्टील व्हील दिए गए हैं इसमें। और इसमें साइड प्रोफाइल में आपको बात कर लेते हैं लेंथ की, तो इसमें 3995 mm की इसकी लेंथ है, विड्थ है 1695 mm की, और हाइट है इसकी 1555 mm की इसकी हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है इसमें। बात कर लेते हैं माइलेज की, तो इसमें आपको 20 km/L की माइलेज मिलेगी, यानी 20 km/L की माइलेज मिलती है जो कि कंपनी क्लेम करती है। और बात कर लेते हैं टर्निंग रेडियस की, तो 4.8 meters का टर्निंग रेडियस दिया गया है इसमें। बात कर लेते हैं सस्पेंशनों की, तो फ्रंट सस्पेंशन मैकफर्सन स्टार टाइप दिए गए हैं, रियर सस्पेंशन टॉरिजन बिम टाइप मिलेंगे रियर सस्पेंशन आपको इसमें। और इसमें आपको एक ही कलर मिलता है जो कि आप देख रहे हैं, पैरलर आर्टिक वाइट कलर है ये गाड़ी का, तो सिंगल कलर मिलता है इस वेरियंट में देखने को। और इसमें जैसे मैंने बताया आप, यानी टैक्सी में ही अवेलेबल है, कमर्शियल पर्पज़ से ही आपको मिलेगी ये गाड़ी अगर आप लेने की सोच भी रहे हैं तो, कमर्शियल पर्पज़ से ही आपको मिल पाएगी ये गाड़ी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 42 liters की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें दी गई है जो कि काफ़ी बढ़िया है। और इसमें आपको बात कर लेते हैं प्राइस की, तो इसमें आपको स्टार्टिंग प्राइस है इसका 582,613 से लेकर 957,622, तो इसके टॉप वेरिएंट का प्राइस है 957,622। तो स्टार्टिंग प्राइस भी बता दिया मैंने और टॉप वेरिएंट का प्राइस भी आपको बता दिया। ये डीजल और पेट्रोल दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल है, और साथ में ही CNG में भी अवेलेबल है। अगर आपको CNG लेनी है कंपनी फिटेड तो उसमें भी अवेलेबल है ये गाड़ी। और जिसका रिव्यू कर रहे हैं CNG गाड़ी है, इसके फेंडर इंडिकेटर जो है फेंडर पे दिए गए हैं, देख रहे हैं आप। साइड मिरर आपको ब्लैक ही दिया गया है इसमें, डोर हैंडल भी आपको ब्लैक ही दिए गए हैं देखिए। और ये रियर प्रोफाइल है गाड़ी की, रियर प्रोफाइल से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। रियर प्रोफाइल से भी कोई ख़ास चेंजेस नहीं किए गए हैं इस गाड़ी में, तो BS6 गाड़ी है ये। CNG का स्टिकर मिलेगा आपको, हाई माउंट स्टॉप लैंप भी दिए गए हैं, टूर एस की आपको स्टिकर दिया गया है बैकडोर पे ही, और बैकडोर गार्निश भी दी गई है रियर में ही, साथ में ही पार्किंग सेंसर भी आपको इंक्लूड कर दिए गए हैं। ये पार्किंग सेंसर आपको नहीं मिलते थे, तो BS6 लेंगे गाड़ी तो इसमें आपको पार्किंग सेंसर भी इंक्लूड कर दिए गए हैं सेफ्टी नॉर्म्स के अनुसार। और इसमें आपको दूसरी साइड की प्रोफाइल देख लेते हैं, तो ये दूसरे साइड की प्रोफाइल है गाड़ी की, और जो सेफ्टी फीचर्स इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें आपको ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड एयरबैग मिलेगा सेफ्टी फीचर्स में, सीट बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम भी दिया गया है सेफ्टी फीचर्स में, और स्पीड अलर्ट सिस्टम भी दे दिया गया है इसमें सेफ्टी फीचर्स में, और साथ में ही आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं सेफ्टी फीचर्स में, और सेंट्रल लॉकिंग मिलेंगे आपको डोर और फ्रंट, और साथ में ही फ्रंट के दोनों ही डोर मिलते हैं लेकिन आपको सेंट्रल लॉकिंग इस गाड़ी में, रियर के दोनों डोर आपको मैनुअल ही मिलेंगे। और साथ में ही आपको ABS भी दिया गया है इसमें, और EBDB यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सेफ्टी फीचर्स इसमें दे दिए गए हैं। और इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेगी जो कि आपको पहले भी मिलती थी। और इसमें आपको जो CNG भरवाएंगे, यहाँ से भरवाएंगे आप CNG, भरवाने का ऑप्शन देखिए यहाँ पर दे दिया गया है
फ्यूल डोर के बराबर में ही आपको सीएनजी भरवाने का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से आप सीएनजी भरवा सकते हैं सीएनजी। और चलते हैं, आप बैक डोर खोल लेते हैं, बूट स्पेस देख लेते हैं इसका। तो ड्राइवर साइड डोर खोलेंगे तो आपको फ्यूल डोर और बैक डोर खोलने का ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ड्राइवर साइड के नीचे दो लीवर मिलेंगे, बैक डोर खोलेंगे, बूट स्पेस देख लेते हैं इसका। तो इसमें आपको सीएनजी सिलेंडर दिखेगा, क्योंकि सीएनजी गाड़ी है तो सीएनजी सिलेंडर इसमें देखिए दिया गया है। 60 लीटर का इसमें सीएनजी सिलेंडर दिया गया है, कंपनी फिटेड है ये सीएनजी सिलेंडर। और ये आपका स्पेयर व्हील जो कि आपको ब्लैक ही मिलेगा, और साइज़ जो है सेम ही है इसका। तो बूट स्पेस इतना अच्छा खासा नहीं मिल पाएगा आपको, देख ही रहे हैं सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद बूट स्पेस नहीं मिल पाता, छोटा सा बैग आ जाएगा इसमें। चलते हैं रियर डोर के इंटीरियर में। तो ये रियर डोर का इंटीरियर है, ये वाला डोर आपको मैनुअल ही दिया गया है, और साथ में ही इसमें आपको बोतल रखने का स्पेस दिया गया है मैनुअल के साथ ही। और इसमें आपको देखिए, और साथ में ही आपको इसमें स्पीकर नहीं दिए गए हैं, ना ही स्पीकरों की जगह मिलेगी आपको। तो ये कमियां, कुछ कमियां भी हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें आपको अपोस्ट्री की बात करेंगे तो सीटों की अपोस्ट्री पूरी बीच कलर की दी गई है। रियर सीटों के हेडों की बात करेंगे तो हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं आपको रियर सीटों के हेड। और ये वाला डोर भी आपको मैनुअल ही दिया गया है देखिए, और साथ में ही बोतल रखने का स्पेस दे दिया गया है इसमें, और साथ में स्पीकर नहीं मिलेंगे आपको, ना ही जगह दी गई है स्पीकरों की इसमें। तो रियर के डोरों में आपको स्पीकरों की जगह नहीं मिलती, और साथ में ही आपको ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं, लेफ्ट राइट में ग्रिप असिस्टेंट मिलेंगे देखने को। और ये आपका रीडिंग लैंप जो कि रियर पैसेंजर के लिए दिया गया है। फ्रंट सीटों के हेड आपको हाइट एडजस्टेबल दे दिए गए हैं, फ्रंट सीटों के हेड आपको हाई चार्जेस टेबल मिलते हैं। लेगरूम बहुत ही बढ़िया लेगरूम मिलेगा आपको इस गाड़ी में, सिडान गाड़ी है तो लेगरूम की प्रॉब्लम तो नहीं मिलेगी आपको इसमें। और जैसा कि मैं रियर पैसेंजर सीट पर बैठा हूँ तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक देता हूँ, कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में। तो डुअल टोन में दिया गया है फ्रंट डैशबोर्ड आपको, ब्लैक एंड बीच। तो ये देख लिया आपने फ्रंट डैशबोर्ड का लुक, चलते हैं आप फ्रंट डोर के इंटीरियर में। और ये फ्रंट डोर का जो डोर ट्रिम है इसमें आपको सिल्वर फिनिश मिलेगी देखने को देखिए। और साइड मिरर को आप नोब द्वारा एडजस्ट करेंगे तो नोब दी गई है इसमें एडजस्ट करने के लिए, कॉटन फिनिश दी गई है सिल्वर फिनिश के साथ। और साथ में ही आपको फ्रंट के दोनों ही डोर आपको पावर विंडो दिए गए हैं ऑटो के साथ, पावर मिलेंगे, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, शीशों को भी लॉक कर सकते हैं आप। मैप पॉकेट का स्पेस दिया गया है, बोतल रखने का स्पेस मिलेगा, स्पीकरों की जगह यहाँ दे दी गई है, स्पीकर नहीं है इसके अंदर, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। ये ड्राइवर सीट है जो कि आपको ओनली बैक एडजस्ट मिलती है ड्राइवर सीट इसमें, देखिए हाइट एडजस्ट नहीं दी गई है इसमें। ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्ट नहीं मिलेगी, ओनली बैक एडजस्ट मिलती है आपको इसमें। राइट साइड में आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं सिल्वर फिनिश के साथ, और साथ में ही आपको हेडलाइट लेवलिंग के स्विचेस दिए गए हैं, एंटी थेफ्ट अलार्म के स्विचेस, और साथ में ही आपको सीएनजी और पेट्रोल मोड दोनों ही मोड आप यहां से यूज़ कर सकते हैं, यानी सीएनजी पे भी चला सकते हैं आप यहां से, और पेट्रोल पे भी चला सकते हैं यहां से, दोनों ही में आप यूज़ कर सकते हैं इसको स्विच द्वारा। बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की, तो एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है, SRS एयरबैग 3 स्पोक व्हील के साथ दिया गया है इसमें। साथ में टिल्ट स्टीयरिंग मिलेगा आपको जो कि अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं आप स्टीयरिंग व्हील को। राइट साइड में हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं इसमें। रिमोट की मिलेगी, दोनों ही की आपको इसमें रिमोट दी गई है, देखिए लॉक अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को, तो ये एक अच्छी चीज़ दी गई है इसमें, रिमोट की मिलती है। और फ्रंट के दोनों ही डोर आपको सेंट्रल लॉकिंग भी दिए गए हैं, रियर के डोर आपको सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलेंगे। MID देख लेते हैं, छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले दी गई है जो आपको किलोमीटर बताएगी, क्लॉक बताएगी, कुछ वार्निंग लाइटें भी दी गई हैं इसमें, देखिए RPM मीटर भी दे दिया गया है इसमें। और साथ में ही आपको फ्यूल भी इसमें शो हो जाएगा मीटर में, लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे मीटर जो दे दिया गया है इसमें, फ्यूल भी शो करेगा और CNG भी इसमें शो करेगा।
कितनी सीएनजी है आपकी गाड़ी में और कितना फ्यूल है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली। और इसमें आपको एसी वेंट्स दे दिए गए हैं, देखिए सेंटर में दो एसी वेंट्स मिलेंगे देखने को 1000 के स्विचेस के साथ। इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा, आप आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम। मैनुअल एसी दिया गया है इसमें, ऑटो एसी नहीं मिलता। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दे दिया गया है इसमें, देखिए यूएसबी ऑक्स के ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको इसमें। 1 लीटर बोटर रहने का स्पेस दे दिया गया है इसमें कंसोल पे ही। बात कर लेते हैं गियर लीवर की, तो 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स के साथ गियर लीवर। हैंड ब्रेक लीवर भी आपको नॉर्मल ही दिया गया है इसमें, और साथ में ही को ड्राइवर साइड सिल्वर फिनिश मिलेगी देखने को। एक एसी वेंट्स और दे दिया गया है इसमें, और साथ में ही नोब दी गई है साइड मिरर को एडजस्ट करने के लिए, नोब देख ही रहे हैं आप कुछ स्पेस के साथ। और साथ में ही यहाँ पर भी स्पेस दिया गया है, और ये ग्लो बॉक्स है आपका, ये तो अच्छा खासा स्पेस ही है। और साथ में ही यहाँ पे नोटिस देखिए, नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है, यहाँ पे नोट किया गया है कि आप इस गाड़ी को 80 की स्पीड से ज़्यादा एबव नहीं भगा सकते, तो 80 की स्पीड जो है इसकी बांध दी गई है, तो ये गाड़ी 80 से ज़्यादा नहीं भगेगी, आप समझ गए होंगे। बोल्ट रखने का स्पेस दे दिया गया है इसमें, स्पीकरों की जगह भी दी गई है, तो ये 80 की स्पीड से ज़्यादा नहीं भगेगी ये गाड़ी। फ्रंट में सनवाइज़र और साथ में ही आपको IRVM नॉर्मल दिया गया है इसमें। को ड्राइवर साइड सनवाइज़र भी नॉर्मल ही मिलेगा आपको, साथ में ही ग्रिप असिस्टेंट। चलते हैं इंजन रूम में, हुड खोल लेते हैं। हुड खोलने का ऑप्शन ड्राइवर साइड ही दिया गया है। तो आगे हम इंजन रूम में, तो इसमें आपको हुड के इनसाइड एक कवर दिया गया है जो कि इंजन के वाइब्रेशन को कंट्रोल कर देता है, ये कवर जो आप देख रहे हैं। ABS दिया गया है इंजन रूम में ही। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, सुजुकी गाड़ी है तो सुजुकी ने अपना ब्रांड दिया है इसमें। बात कर लेते हैं इंजन सीसी की, तो 1197 cc का इंजन दिया गया है इसमें। बात कर लेते हैं पावर की, तो 85 BHP की पावर मिलेगी 6000 RPM पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो 114 Nm की टॉर्क मिलेगी 4000 RPM पे। सो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू डिज़ायर टूर एस का CNG वेरियंट का। ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करें। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।